अपने आप को ट्रीट दिया है पिज्ज़ा ऑर्डर करके। करना चाहिए ना कभी कभी अपने आप को भी पैम्पर। अभी हो रहे हैं 3:30 और सुबह से मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। एक्चुअली वही सफाई का तो काम चल ही रहा था, बीच में मेरा भी कुछ अपने काम आ गए थे। पिज़्ज़ा नीचे के व्यू का मज़ा लेते हुए। मिन्नी तो नॉर्मली अपने ही रूम में ही खाती है खाना, एक्सेप्ट संडे, तो ये भी कहते हैं कि थोड़ी देर में ही खाऊंगा। तो बस अपने आप को ही मैं कंपनी दे रही हूँ। रेस्टोरेंट में कैसे खाते हैं ना, बिल्कुल अपने फोक और नाइफ से, बड़े सोफेस्टिकेटेड वे में। घर में हाथ जिंदाबाद, अपना भी ले आए। तो ये भी आ गए मुझे कंपनी देने। अरे आज तो हमारी टेबल का यूज़ हो गया, वीडियो में मैंने बोला था इसमें हम दोनों साथ में बैठे हैं और आज खाने आ गए इसमें। आज है अहोई अष्टमी, तो अहोई अष्टमी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बस नहा के पूजा करिए और बस अभी शुरुआत करती हूँ यहाँ से। और ये बैठे अंकु के रूम में, धूप सेक रहे हो? नहीं धूप नहीं, अभी मैं तुम वहाँ पे जा रही थी, गई हुई थी ना, पूजा कर रही थी तो मैं इधर आ गया। और मिन्नी अभी सो रही है, वहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। धूप हो रही है। मैंने अपनी पोजीशन ले ली है, वेटिंग फॉर मिनी। व्रत की कथा मैंने कर ली, खाना मेरा रेडी हो गया। खाने वाले पता नहीं कब आप रेडी होते हैं। यहाँ पे टीवी चल रहा है, यहाँ पे भोजन यहाँ पे ये भोजन करके जा चुके हैं। पापा ने खा भी लिया? हाँ। बाबा आज क्या हो गया सबको, इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? पापा मेरा काम भी जल्दी हो गया, धनिया से एलर्जी, सब एक एक बीन दिया। अरे उसमें अभी है एक, मेरे को दिख रहा है एक बच गया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। होपफुली आज मेरी सारी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। तो बस प्लान है कि दिन में थोड़ा सोच रही हूँ लोकल मार्केट में जाके दिवाली की छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हर बार सोचती हूँ कि दिवाली की सफाई थोड़ा जल्दी निपटा लूँ, लेकिन हमेशा यही टाइम हो जाता है। सो फिलहाल चलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, उसके बाद लगेंगे सफाई में। मिन्नी का यहाँ पर काम शुरू। और आजकल मैं ये बुक पढ़ रही हूँ रॉबिन शर्मा की, द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। अच्छी बुक है। इससे पहले मैंने इसकी पढ़ी थी द 5 AM क्लब, वो भी बहुत अच्छी बुक है। बस उसकी एक प्रैक्टिस मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, सुबह 5 बजे उठना, वो हो ही नहीं पाता, बट मेरी कोशिश जारी है। सफाई अभियान शुरू। सो बस निकलती हूँ मार्केट के लिए। अभी ये सफाई का सिलसिला तो अभी थोड़ा शाम तक चलेगा, तक मैं 1-2 घंटे में होके आ जाऊँगी। अब पता नहीं मार्केट में मैं कितना ब्लॉक कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी रश रहता है और फिर वो इतने क्राउडेड प्लेस में ना, अभी थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में भी थोड़ा अजीब लगता है। चल मैं जा रही हूँ। दिवाली की शॉपिंग में प्रेफर करती हूँ अकेले जाना, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग वार्किंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑटो में अपना सही रहता है, कहीं से भी बैठो कहीं पे भी उतरो।
रश नहीं है बिल्कुल भी, बेस्ट टाइम है शॉपिंग का। मैंने मेरे रंगोली के कलर और डालने वाला भी ले आई। अरे वाह, सो छोटी मोटी शॉपिंग मैंने कर ली, जैसे दिए, कलर्स, रंगोली के और वो सजाने वाली चीज़ें छोटी मोटी। 2:30 बज रहा है, अब लंच की तैयारी। अरे बहुत जल्दी आ गई, क्या क्या लेके आई है? बस ये छोटी मोटी चीज़ें, भीड़ निकली ना दिन में इसलिए चली गई, फटाफट से करके आ गई। ये क्या चीज़ है? ये होली के कलर? हाँ, होली खेलोगे दिवाली पे, रंगोली। मार्केट से आके एनर्जी ड्रिंक तो बनता है। मार्केट में ब्लॉगिंग करना ना, इट्स रियली चैलेंजिंग। सब लोग ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। खिड़कियाँ हो चुकी हैं साफ और नए जूतों का उद्घाटन करते हुए आज ही लिए हैं मैंने, बटके हैं और ये नॉर्मल, जैसे जल्दी से स्लिप ऑन हो जाते हैं, इसमें कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है। पैसे नहीं मिलेंगे इस ऐड के? हैं, इस ऐड के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे ये अपने शूज की खरीदी पे? ये कहना चाहूँगा कि मेरी ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन इसलिए होती है क्योंकि मैंने देखा कि जब हम लोग मॉल से या कहीं और से लेते हैं तो उन लोगों को अपना मॉल के किराया और उसका खर्चा निकालना होता है, तो वहाँ पे जो भी अवेलेबल चीज़ें होंगी वो हमेशा हाई मार्जिन और प्रीमियम रहेंगी, बिकॉज उन लोगों को बहुत सारा इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा भी निकालना है, और इसलिए आदमी को ऑनलाइन जाके थोड़ा सा ये रिसर्च करनी चाहिए। अब देख के कुछ शांति मिली। 9:30 हो रहे हैं, मेरा डिनर हो चुका है और इन दोनों के अभी दरवाजे बंद हैं, मीटिंग चल रही है। हो गया प्रोग्राम खत्म? हो गया खत्म, हमारे लोगों के साथ बातचीत हो गई। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लग रही होगी, आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर लाइक्स। बस मिलते हैं फिर अब नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।